नमस्कार, न्यूज फॉर एशिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया है। बता दें कि चिंता कहीं ना कहीं बढ़ रही है और यही वजह है कि इस वक्त परिवार के लोग और साथ ही लालू यादव के जितने भी समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू यादव सेहतमंद होकर घर लौट आए। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर परिवार वालों का कहना है कि लालू यादव के शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है और अब हालत ये है कि लालू यादव के शरीर में मूवमेंट भी नहीं हो रहा, जिस वजह से परेशानी और चिंता अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने किस तरह से अपनी चिंता जाहिर की है, समर्थकों के लिए क्या कुछ संदेश भिजवाया है तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज अब दिल्ली एम्स में होगा। राबड़ी आवास में सीढ़ी से गिरने के बाद वो 3 दिनों तक पटना के पारस अस्पताल में एडमिट रहे। ऐसे में बेहतर इलाज के लिए अब एयर एम्बुलेंस से लालू यादव को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हेल्थ के बारे में जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा। वहीं राबड़ी देवी ने समर्थकों से अपील की है कि चिंता नहीं करें, बल्कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। बता दें कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बताया है कि एम्स में लालू यादव का पहले भी लंबे वक्त तक इलाज हो चुका है, इसलिए यहां के डॉक्टर जानते हैं कि लालू यादव की बीमारियों की हिस्ट्री क्या है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राबड़ी आवास में सीढ़ी से गिरने के बाद लालू यादव के शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बाद उनके शरीर जो है वो लॉक हो चुका है, बॉडी में मूवमेंट नहीं है। लालू यादव को बहुत सारी दवाई दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एम्स में लालू यादव का पूरा चेकअप होगा, उसके बाद डॉक्टरों की टीम ये तय करेगी कि आगे इलाज किस तरह से करना है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बार लालू यादव की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद सिंगापुर ले जाया जाएगा और डॉक्टरों से इस बारे में बातचीत भी की जाएगी। क्योंकि बात करें तो इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात है वो चल रही है और यही वजह है कि इसको लेकर चेकअप के बाद डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। तो वहीं राबड़ी देवी ने लालू यादव के जितने भी समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे ये अपील की है कि आप चिंता ना कीजिए, बल्कि भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव सेहतमंद होकर घर लौट आए। ऐसे में बात करें तो इस वक्त लालू यादव का जो इलाज है वो दिल्ली एम्स में चल रहा है। डॉक्टर जो है वो पहले पूरा चेकअप करेंगे, इसके बाद ही आगे इलाज किस तरह से किया जाए इस पर विचार जो है वो डॉक्टर की तरफ से किया जाएगा। ऐसे में आगे भी दिल्ली से क्या कुछ तस्वीरें लालू यादव को निकल कर सामने आती है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना होता है, साथ ही परिवार के लोग लालू यादव की सेहत को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हैं, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और खास करके लालू यादव की पल पल की अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।